सो चैप्टर 5 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मेन जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस आया है सोसाइटी में, उसके क्या एडवांटेज है बता सकते हो? इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो रिवॉल्यूशन हमारी सोसाइटी में आया है, उससे हमारा एडवांटेज क्या हो रहा है? मैम, उसमें हमारा एडवांटेज, हाँ जैसे मैम हम कोई चीज को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, और हमारे पास जितने भी डेवलपमेंट टूल्स हैं वो थोड़े नए टाइप के आ गए, न्यू टूल्स आ गए हैं। हमारे एग्रीकल्चर में थोड़ी मॉडर्नाइजेशन आ गई है। यस मैम, यही सारे हैं। यस, इंडस्ट्रियलाइजेशन से मेन चीज ये हुई है कि डेवलपमेंट प्रोसेस इंक्रीज हुआ है, और जो मॉडर्नाइजेशन है वो बहुत सही तरीके से आया है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हुए? डिसएडवांटेजेस इंडस्ट्रियलाइजेशन के डिसएडवांटेज भी हुए हैं, क्योंकि अगर किसी चीज के करेक्ट पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं तो नेगेटिव इफेक्ट भी साथ में होते हैं यस मैम, ना। डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन तो आया, लेकिन इसके वजह से और कुछ डिसएडवांटेज भी देखने को मिले। हाँ सिविलाइजेशन बढ़ गया यस मैम, ना, लोग जो है वो अर्बन एरियाज की तरफ ज्यादा शिफ्ट करते हुए चले गए, यस और मैम, इंडस्ट्रीज में इतनी वैकेंट प्लेस तो नहीं थी कि इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जाए। तो इसकी वजह से सिविलाइजेशन की वजह से क्या हुआ? सैनिटाइजेशन और हाउसिंग की प्रॉब्लम हो गई, स्लम एरियाज बढ़ गए, अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ गया। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के ये भी कुछ डिसएडवांटेज रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इज द प्रोसेस ऑफ रॉ मटेरियल विच कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली इन टू मोर रिफाइंड एंड यूजेबल प्रोडक्ट। मेनली जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है वो किस चीज का प्रोसेस होता है? एक रॉ मटेरियल को, जो फिलहाल किसी भी अब साइज शेप या अपियरेंस या किसी भी कमर्शियल यूज के लिए ना बना हो, उसको एक प्रोडक्ट में चेंज करना, ये एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, एक रॉ मटेरियल को एक यूजेबल प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज करना। मोस्ट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली विदाउट प्रोसेसिंग। बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं कि जिनको बिना मैन्युफैक्चर किए डायरेक्ट यूज नहीं किया जा सकता, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बताओ। यस मैम, एग्जाम्पल बताओ, ऐसा एग्जाम्पल कौन सा नेचुरल रिसोर्स, कौन सा प्रोडक्ट है जो हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, मतलब उसका मैन्युफैक्चर होना मैम, जरूरी फॉसिल है? फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स, क्लॉथ, जो कॉटन होता है या सिल्क होते हैं। ठीक है, जब ये रॉ वे में होते हैं तो इनके मैन्युफैक्चरिंग जरूरी होता है उसके एक क्लॉथ फॉर्म में चेंज करने के लिए, तभी हम उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, वी यस मैन्युफैक्चर मैम, क्लॉथ फ्रॉम कॉटन, शुगर फ्रॉम शुगर केन, पेपर फ्रॉम वुड पल्प, एंड पेट्रोकेमिकल्स फ्रॉम मिनरल ऑयल, जैसे कि आपने फॉसिल फ्यूल वगैरह के बारे में बताया। सो बाय डूइंग दिस वी मेक द प्राइमरी प्रोडक्ट मोर वैल्यूएबल एंड यूजेबल। इससे क्या होगा, जो छोटे प्रोडक्ट्स हैं वो और ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बाद वैल्यूएबल भी बन जाएंगे और ज्यादा यूजेबल भी बन जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग एक्चुअली वर्क एज एन इंजन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। मैन्युफैक्चरिंग क्या करता है? एक इंजन की तरह वर्क करता है। किसके लिए? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और ग्रोथ के लिए। ठीक है, क्योंकि बिना किसी चीज के, मैन्युफैक्चर के बिना उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, वो यूजेबल नहीं रह जाएगा। द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री इज जस्ट बाय द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इस इंडस्ट्रीज। ठीक है, किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है वो कैसे जज किया जाता है कि उसका डेवलपमेंट इंडस्ट्री लेवल पे उसका डेवलपमेंट किस वे में चल रहा है। ठीक है, इससे एक कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ जज की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पे इंडस्ट्रीज की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या जरूरत है इंडस्ट्रीज की और क्यों जरूरी है? द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। इसका पहला रीजन है दे रिड्यूस टू अ लार्ज एक्सटेंट द डिपेंडेंस ऑफ द पीपल ऑन एग्रीकल्चरल इनकम
बाय मॉडर्नाइजिंग द सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर. इसके वजह से क्या हुआ, जैसे ही डेवलपमेंट हुआ, मैन्युफैक्चरिंग मतलब इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, इसके बाद इक्विपमेंट्स भी डेवलप होना शुरू हो गए, तो जो लोग एग्रीकल्चर इनकम से चल रहे थे उनके लिए एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट का मॉडर्नाइजेशन होने की वजह से, इंडस्ट्रियल लेवल पे उसका मॉडर्नाइजिंग होने की वजह से उनकी जो एक्सटेंट थी, उनकी जो वैल्यू थी, वो और ज्यादा बढ़ गई. जो उनको एफर्ट एक एग्रीकल्चर इनकम पे करना पड़ रहा था, वो एफर्ट उनका कम पड़ गया और हायर लेवल पर रिड्यूस भी हो गया. द इंडस्ट्रीज प्रोवाइड जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट इन द सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर. ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं. सो जो इंडस्ट्रीज होती है वो प्राइमरी और सेकेंडरी और टेरिटरी लेवल पर क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है. दे हेल्प इन द इरेडिकेशन और रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री. इसकी वजह से क्या हुआ, इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश होने की वजह से जो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम कंट्री में चल रही थी वो काफी हद तक या तो रिड्यूस हुई है या तो कई जगह पर फिनिश हो चुकी है. द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन द बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज हेल्प इन रिड्यूसिंग रीजनल डिसपार्टीज. ठीक है, इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट की वजह से क्या हुआ है, जो बैकवर्ड एरियाज रहते या ट्राइबल एरियाज रहते जहां तक फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो पा रही थी, उनको भी काफी हद तक एक अर्बन एरिया के लेवल पर उनको भी फैसिलिटीज प्रोवाइड होने लगी. क्योंकि मेनली जो इंडस्ट्रीज होती है ये कहाँ एस्टेब्लिश की जाती है, बैकवर्ड एरियाज में, जहाँ ज्यादा सिविलाइजेशन ना हो, जहाँ लोगों को ज्यादा इफेक्ट ना पड़े. तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो वहाँ के आसपास जो लोकल पीपल्स हैं उन लोगों को काफी एडवांटेज मिल जाता है. मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज इज अर्न बाय एक्सपोर्टिंग मैन्युफैक्चर्ड गुड्स टू अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है या जो भी एक्सपोर्टिंग के थ्रू मैन्युफैक्चर करने के बाद जो एक्सपोर्टिंग से हमारी कंट्री की जो इनकम बनती है उसमें भी काफी इंक्रीज या डेवलपमेंट देखने को मिला है. द मैन्युफैक्चर गुड आर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स विच कैन गिव हायर प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर. क्योंकि क्या होता है कि जब एक रॉ मटेरियल आता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसके बाद जब वो स्टेप बाय स्टेप एक प्रोडक्ट में चेंज होता चला जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है. ठीक है, तो जब एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के फॉर्म में वो मैन्युफैक्चर हो जाता है तो जो प्रोड्यूसर होते हैं उनको बहुत ज्यादा एडवांटेज होता है. जैसे आपने क्लास 8th और 9th में कुछ ट्राइबल पीपल्स के बारे में पढ़ा होगा कि वो क्या करते थे, जो अपना मटेरियल मतलब अपना जो भी खुद से ही अपने लोगों के साथ बैठकर उस चीज को बनाते थे, बाहर से कुछ मर्चेंट्स आते थे उनसे कम दाम में वो चीज लेते थे और मार्केट में जाकर उनसे कई 2 or 3 times ज्यादा उसमें बेच दिया करते थे. तो सेम वही चीजें यहाँ भी हो रही है कि प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो एक रॉ मटेरियल के फॉर्म में किसी चीज को कम दाम में लेते हैं, फिर उसको जब मैन्युफैक्चर प्रोसेस में पूरी तरह से लाते हैं तो उसकी वैल्यू, प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है और इससे उनको प्रॉफिट हो जाता है. ठीक है, 2 rupees की चीज जो होती है वो 10-12 rupees की बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से वो प्रॉफिट कमा जाते हैं. देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज. ठीक है, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में भी इसके बारे में हमने पढ़ा है कि जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होती है ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड अप होते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, द प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हैज बीन एडेड बाय द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. जैसे कि किसी भी एग्रीकल्चरल जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं या कोई भी केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं या पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं, तो मेनली ये क्या होता है, जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर के जो वेस्ट से या उनसे उनके जो फॉर्मेशन से चलने वाली जो इंडस्ट्रीज होती है उनको हेल्पफुल रहती है उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए. ऑन द अदर हैंड इंडस्ट्रीज प्रोवाइड मशीनरी, और उसके बदले में जो इंडस्ट्रीज होती है वो क्या करती है, एक एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को न्यू इक्विपमेंट्स, न्यू मशीनरीज डेवलप मॉडर्नाइज जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो प्रोवाइड करवाती है, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करवाती है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक, पीवीसी पाइप्स एटसेट्रा, जो भी फार्मर्स की नीडेड चीजें होती है, इक्विपमेंट्स होती है, उनको सही तरीके से ताकि वो और ज्यादा ग्रोइंग प्रोसेस में अपनी एग्रीकल्चर वर्क को कर सके और इससे एक इंडस्ट्री लेवल पर भी डेवलपमेंट हो पाए और एक एग्रीकल्चर लेवल पर भी डेवलपमेंट हो पाए. तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे को लिंक करते हैं. दिस इंटरलिंक बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री हैज मेड द प्रोडक्शन प्रोसेसेस इफेक्टिव एंड एफिशिएंट. इसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रोडक्शन की जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के जो ये इंटरलिंक होता है इसकी वजह से प्रोडक्शन जो होती है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में वर्क करने लगती है.
Today, the international market are easily accessible to almost every country of the world. आज के डेट में जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें क्या हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आने की वजह से काफी ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलता है और इजिली एसेसेबल है, कहीं भी स्टार्ट की जा सकती है, रनअप की जा सकती है, ठीक है. दिस हैज लेड टू स्टिफ कॉम्पिटिशन अमंग द नेशन. तो इंडस्ट्रीज का या मैन्युफैक्चर प्रोसेस का बढ़ने की वजह से ये क्या हो गया, एक कॉम्पिटिशन लेवल चल गया कंट्रीज के बीच कि किसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कितनी ज्यादा रहेगी, उस वजह से किसी का कंट्री का जो ग्रोथ डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उस तरीके से बढ़ जाएगा. तो ये नेशंस के बीच कंपटीशन लेवल स्टार्ट कर दिए. दस द मैन्युफैक्चर गुड मस्ट बी ऑफ सुपीरियर क्वालिटी एंड लेस कॉस्टली. इससे क्या होता है, जो मैन्युफैक्चर गुड्स होते हैं मतलब जो बना हुआ जो माल होता है वो एक अच्छी क्वालिटी में और कम दाम में प्रोवाइड हो पाता है. दिस कैन हैपन ओनली व्हेन द इंडस्ट्रीज आर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटेटिव. ये तभी हो सकता है जब कोई इंडस्ट्री जो उसे मैन्युफैक्चर कर रही है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो उसको वर्क को करने में और जो कॉम्पिटेटिव लेवल पे वर्क करे. क्यों कहते हैं, जितनी चीज ज्यादा अच्छी लगेगी अच्छी चलेगी उतनी ही ज्यादा उसका प्रोडक्शन और ग्रोथ बढ़ेगा, ठीक है. आगे है, द कंट्रीब्यूशन बाय इंडस्ट्री टू जीडीपी इज मच लेस इन इंडिया when compared with East Asian countries such as China, Japan, South Korea, etc. So, जो GDP है, gross domestic product जो है, हमारी जो इंडिया से compare करेंगे, तो जो East Asian countries है, China, Japan या South India, South Korea, तो इन सब का जो GDP है, वो इंडिया से काफी ज़्यादा कम है. It is 17% from manufacturing and 10% from mining, quarrying, electricity, etc. एक सेवन मैन्युफैक्चरिंग के टाइम वो 17% पे ग्रोथ उनकी हो जाती है और जब वो माइनिंग और उसको प्रोडक्ट को बनाना और इलेक्ट्रिसिटी जो भी इसेंशियल चीजें इंडस्ट्री को चाहिए होती है उस तक आती है तो वो 10% तक रह जाती है. The average growth rate of manufacturing is only 7% against the desired growth of 12%. ठीक है, तो एज कंपेयर टू दूसरे ग्रोथ रेट को जब हम कंपेयर करेंगे तो इनका जो 17-10% है तो एवरेज ग्रोथ रेट जो होता है मैन्युफैक्चर का सिर्फ 7% तक ही ग्रोथ रह जाती है. इट इज एक्सपेक्टेड दैट इंडस्ट्री कैन अचीव द डिजायर्ड ग्रोथ रेट इन द नेक्स्ट डेकेड. द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटेटिवनेस काउंसिल हैज बीन सेट अप द गवर्नमेंट टू अचीव द डिजायर्ड ग्रोथ. धीरे धीरे इसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट चलता चला जा रहा है और गवर्नमेंट जो है काफी हद तक वर्क कर रही है कि इसे बेटर वे में और ज्यादा डेवलप किया जा सके. नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल लोकेशन. चलिए रीड करिए और एक्सप्लेन करिए इस टॉपिक को. इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में तो आपने क्लास 8 क्लास 9 में भी पढ़ा है. एक इंडस्ट्री कहाँ स्टैब्लिश की जानी चाहिए, उसकी लोकेशन किस टाइप की होनी चाहिए, क्या क्या नीड उसके लिए जरूरी है. Industrial location are complex in nature. These are influenced by ability of raw materials, labor, capital, power of market, etc. It is rarely possible find all these factors available at one place. Manufacturing activity tends to locate the most appropriate place where factor of industrialization location are either available or can arrange at lower cost. After an industrialization activity started, urbanization follows. Sometimes industries are located in near the cities, thus industrialization and urbanization go hand in hand. Cities provide market and also provide services such as banking, insurance, transport, labor and financial advice. To the industry, many industries tend to come together, make the advantage afforded by the urban centers as economic. Gradually, the large industrialization in pre-independence period, the most manufacturing units were located place Mumbai, Kolkata, Chennai, etc. Of industrialization, developed urban central surrounded by huge agriculture and rural hinterland. बताइए क्या है इंडस्ट्रियल लोकेशन में.
मैम इसमें बता गया है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है मैम, ये ओवरसीज जगह पर होती है जहाँ पानी होता है, और अर्बन सिटीज में होती है, और एग्रीकल्चर जहाँ होता है वहां होती है, जिससे इन लोगों को सारी चीज का प्रॉफिट हो सके, इनको इजिली मिल भी जाए वहां से। इस वजह से ये सब यहाँ प्रोवाइड होती हैं, जहाँ इसी वजह से सब यहाँ जाते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस वहीं होता है। तो किसी भी इंडस्ट्री को या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है, जैसे कि बहुत अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, जहाँ वो इंडस्ट्री एस्टैब्लिश कर रहे हैं वहाँ जो तो रॉ मटेरियल है वो मिल पाएगा कि नहीं, वहाँ तक ट्रांसपोर्ट हो पाएगा कि नहीं। मेनली जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है वही ओपन की जाती है जहाँ रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्ट इजिली हो सके। जैसे देखा है ना कोल माइनिंग्स जो होती है, कोल माइनिंग्स के यस मैम, कोल माइनिंग्स के पास ही अरे सब ये किंग कौन ज्वाइन हुए हैं, किंग नेम से कौन ज्वाइन हुआ है अभी? तो रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी किस टाइप की है ये देखी जाती है कि वो रॉ मटेरियल जो है उस माइनिंग के, उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के आसपास अवेलेबल हो भी पा रहा है या नहीं। सोर्स ऑफ पावर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का जो फॉर्मेशन है या जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड हो पाएगी कि नहीं। एफिशिएंट लेबर, अब वहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो लेबर्स की भी जरूरत है, तो उस टाइप से सफिशियंट अमाउंट में लेबर भी मिल पाएंगे कि नहीं। कैपिटल, बिना कैपिटल के तो कोई भी इंडस्ट्री बिल्डअप हो ही नहीं पाएगी, एस्टेब्लिश की नहीं जा सकती, कैपिटल को भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, मार्केट, आसपास किस टाइप का मार्केट है और जो प्रोडक्शन की जा रही है उसकी मार्केट वैल्यू बन पाएगी कि नहीं, प्रोडक्ट की एक मार्केट प्रोडक्शन हो पाएगी कि नहीं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए या इजेंशियल चीजों को इंडस्ट्री तक पहुंचाने के लिए जो कम्युनिकेशन का लेवल है या ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो पहुंच पाएगा कि नहीं। और भी बहुत सारी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है, क्योंकि गवर्नमेंट इश्यूज होते हैं कि इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए, पॉपुलेशन पॉल्यूशन रिलेटेड और भी सारी जो पॉलिसीज होती है उनको ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये सब चीजें जो फैक्टर्स है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं जब एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या एक इंडस्ट्री स्टैब्लिश होती है। ऑल द फैक्टर्स कैन नॉट बी फाउंड एट वन प्लेस, और जरूरी नहीं है कि जितने भी फैक्टर्स है वो एक जगह में मिल जाए, कुछ ना कुछ इनमें से क्लैश करेगा ही करेगा। या तो आपको रॉ मटेरियल काफी दूर से मिलेगा, या तो आपको ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम होगी, या तो कम्युनिकेशन, या तो पावर, या तो लेबर, या तो कैपिटल, या तो मार्केट, कोई ना कोई चीज बीच में क्लैश करेगी ही करेगी। तो वो एडजस्टमेंट इंडस्ट्री लेवल पर करना पड़ता ही है। ठीक है, तो यही था मेनली इन सब चीजों में। इंडस्ट्री सेटअप इन नियर एंड एग्जिस्टिंग सिटीज, ठीक है, तो आसपास की जो सिटीज हैं उनके पास ही मेनली जो इंडस्ट्रीज हैं वो एस्टेब्लिश की जाती है ताकि उसकी जो मार्केट प्रोडक्शन है वो इजी वे में हो सके, क्योंकि अर्बन एरियाज में वैसा मार्केट तो किसी भी इंडस्ट्री को मिल नहीं पाएगा। इसके लिए जरूरी है कि कुछ सिटीज के ज्वाइंटेड लिंक्ड वे में वो चलती रहे। ठीक है, और कुछ सर्विसेज होती है उनकी भी जरूरत होती है, इंश्योरेंस की जरूरत होती है, लेबर की जरूरत होती है, सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है, बैंकिंग की जरूरत होती है, कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स, ये सारी भी जो इसेंशियल चीजें हैं उनको भी देखकर चलना पड़ता है कहीं भी किसी भी प्लेस में जगह इंडस्ट्री को सेटअप करना हो तो। ठीक है, जैसे इंडिपेंडेंस से बोला गया है कि बहुत सारे जो पोर्ट टाउन्स थे, पोर्ट टाउन्स मतलब समंदर के आसपास के जो एरियाज थे, क्योंकि पहले जब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई थी, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था, तो सी वेज के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो ज्यादा हुआ करता था, इसीलिए जो पोर्ट एरियाज थे, पोर्ट के पास जो टाउन्स थे या कोस्टल एरियाज के पास जो टाउन्स थे उनको ज्यादा रिकमेंड किया जाता था एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एस्टैब्लिश करने में। ठीक है, जैसे कि कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, ये कुछ पोस्ट और कोस्टल एरियाज है, पोस्ट टाउन्स है, पोर्ट टाउन्स है। ओके, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। प्रैक्टिकली ऑल द इंडस्ट्रीज डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, सोर्सेस ऑफ पावर, स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर ओनरशिप एटसेट्रा। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो सभी इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा जरूरी किन चीजों पर डिपेंड होती है,
रॉ मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं, पावर सोर्स, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री बिना इलेक्ट्रिसिटी बिना पावर के रन नहीं कर सकती, तो वो पावर सोर्स का भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्किल्ड या तो सेमी स्किल्ड, या तो पूरी तरह से नॉलेजेबल हो या कुछ हद तक नॉलेज हो, ताकि ट्रेन करके उसको, जो कोई भी लेबर है उनको ट्रेन करके पूरी तरह से स्किल्ड कर दिया जाए, पूरी तरह से उसके बारे में नॉलेजेबल कर दिया जाए। तो सेमी या फुल्ली स्किल्ड लेबर का होना जरूरी है, ओनरशिप का होना जरूरी है, ओनरशिप के बिना कैपिटल का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिएट होगा, ठीक है। सो ये सारी चीजें होती है जब प्रैक्टिकली देखा जाए तो इंडस्ट्रीज इन पर डिपेंड करती है। इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्टर्स। अब यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जिनमें क्लासिफिकेशन डिवाइड किया गया है इंडस्ट्री का। पहला ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज, किस टाइप का रॉ मटेरियल एक इंडस्ट्री में यूज किया जा रहा है, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। पहला है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जो एग्रीकल्चर से लिंक्ड चलता है, वो जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है उनके बारे में। यूज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट सच एज कॉटन, जूट, वूल, सिल्क, शुगर केन, रबर एटसेट्रा। द मेन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर टेक्सटाइल, शुगर, फूड प्रोसेसिंग एटसेट्रा, ठीक है। तो एग्रो बेस्ड मतलब जो एग्रीकल्चर के बेसिस पर चल रही है, जैसे कॉटन इनकी खेती की जाती है, ग्रो किए जाते हैं, जूट ग्रो किए जाते हैं, वूल, सिल्क, ये सब ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर के थ्रू रॉ मटेरियल्स इन तक इंडस्ट्रीज तक पहुंचते हैं, उसके बाद वो एक क्लोथिंग का फॉर्म लेते हैं, देन उसका मार्केट तक, उसकी एक मार्केट वैल्यू बन पाती है। नेक्स्ट इज मिनरल बेस्ड, ठीक है। एग्रो बेस्ड मतलब जो एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल उनको मिल रहा है, मिनरल बेस्ड मतलब जो मिनरल्स के थ्रू उन्हें मिल रहा है, जैसे कि कोल, आयरन, स्टील वगैरह, केमिकल्स, टूल्स, मशीन टूल्स, ठीक है। गेट द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज गेट देयर रॉ मटेरियल्स फ्रॉम रॉक एंड मिनरल्स, ठीक है। रॉक या मिनरल के थ्रू जो रॉ मटेरियल उनको मिल रहा है वो होती है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। द मेन मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर आयरन, स्टील, सीमेंट, केमिकल्स, मशीन टूल्स एटसेट्रा, ये सब कुछ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, ठीक है। तो मेन सोर्स, पहला सोर्स था कि ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल का सोर्स कैसे मिल रहा है, एग्रीकल्चर के थ्रू मिल रहा है या मिनरल रिसोर्सेज के थ्रू मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा उस पर खर्च किया जा रहा है। पहला है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मतलब छोटे पैमाने पर जो इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश की जा रही है। द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैन इन्वेस्ट अ मैक्सिमम ऑफ 1 करोड़, ठीक है। तो जो स्मॉल स्केल, छोटे पैमाने पर भी अगर एक इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की जा रही है, तो आपके पास एटलीस्ट 1 करोड़ तक का जो कैपिटल है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है उस कैपिटल को। These industry employ only a few workers. कुछ ही workers में ये अपना work, ये जो industries है ये run करती है। And produce general consumer goods or act as an ancillary units, ठीक है। Mainly क्या करते हैं, छोटे products बनाते हैं, जैसे कि हम dairy products का example ले लेते हैं, या कोई cloth products का example ले लेते हैं। तो इनमें क्या होता है, बहुत कम अमाउंट में वर्कर्स यूज किए जाते हैं और प्रोडक्शन यूनिट्स जो होती है वो ज्यादा होती है। एग्जांपल्स आर ऑटोमोबाइल पार्ट्स, ऑटोमोबाइल के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनकी जो इंडस्ट्रीज होती है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आएंगी। गारमेंट्स जो होते हैं, हैंडलूम जो होते हैं, क्लोथ, हैंडलूम क्लोथ, यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स, इलेक्ट्रिकल के जो छोटे छोटे प्लग्स और वो सारी जो चीजें होती हैं, फर्नीचर, लेदर गुड्स एटसेट्रा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के तौर पर मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, जिसमें जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ी कम अमाउंट में ली जा सकती है। नेक्स्ट इज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, बड़े पैमाने पर चलने वाली, ठीक है। तो मेन तो जानते हैं ऑयल रिफाइनिंग, माइनिंग, कोल, आयरन, स्टील, ये सब लार्ज स्केल वे में चलने वाली इंडस्ट्रीज है। Have to invest more than 1 crore, जिसमें 1 crore से भी ज्यादा amount या capital जो होता है वो invest किया जाता है। This industry use complicated power driven machines and employ hundreds of thousands of skills and semi-skilled workers. In industries में complicated power driven machines मतलब power के through चलने वाली advanced modernized machines का use किया जाता है, ताकि production, जितनी ज्यादा machinery equipment जल्दी work करेगी उतना ही ज्यादा production बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा profit earn किया जा सकता है। employ hundreds of thousands of, बहुत ज्यादा amount में जो employees हैं उनको रखा जाएगा, या तो वो skilled हो या तो वो semi-skilled workers हो।
और इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के एग्जांपल हैं आयरन, स्टील, ऑयल रिफाइनिंग, केमिकल प्लांट्स, कंपोजिट, टेक्सटाइल मिल्स एटसेट्रा। ठीक है, तो ये हाई अमाउंट में या हाई लेवल पर चलने वाली जो इंडस्ट्रीज होती है वो होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर भी डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री कैसे एस्टेब्लिश की जाएगी। नेक्स्ट इज ओनरशिप। चलिए बताइए ओनरशिप के बारे में बताइए। पहला पॉइंट है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, इसमें क्या होता है? यस मैम, जो गवर्नमेंट एजेंसीज जिसे ओन करें, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, दोनों में से कोई एक जो उसको रन कर रही है वो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है। ठीक है, जैसे कि जो बड़ी बड़ी BHEL, ITI, इन सब के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये सब पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज मैम, प्राइवेट जिसे एक पर्टिकुलर ओनर ओन करे, जैसे टाटा स्टील, रिलायंस। यस, ठीक है, जो या तो एक इंडिविजुअल या तो उसके साथ और भी मोर देन टू और मोर पीपल इंक्लूड हो रहे हैं और सब साथ में मिलकर एक इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, वो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री होती है। टाटा स्टील, हिंदुस्तान मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, डाबर इंडस्ट्रीज, हीरो मोटर कॉरपोरेशन, ये सब प्राइवेट सेक्टर में आएंगे। नेक्स्ट इज जॉइंट सेक्टर। मैम, जॉइंट सेक्टर जिसे स्टेट और इंडिविजुअल मिलके जिसे रन करे, जॉइंट करके बनाए। यस, जिसमें पब्लिक सेक्टर, ऑयल इंडिया लिमिटेड, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं, दोनों साथ में मिलके वर्क करते हैं, वो जॉइंट सेक्टर होती है। एयर इंडिया, MTNL, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सारी। ठीक, नेक्स्ट कोऑपरेटिव सेक्टर इंडिविजुअल्स, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। जो स्मॉल अमाउंट में चल रही हो, जो स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है वो होती है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज, जिसमें जो प्रोड्यूसर्स होते हैं या जो सप्लायर्स होते हैं वो मेनली एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके वर्क को हैंडल कर लेते हैं। जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या होता है, कम अमाउंट में वर्कर रखे जाते हैं और सिर्फ एक ओनर होता है, वो बस थोड़ी बहुत चीजें बताएंगे, या छोटी मोटी जो हैंडलूम वाली जो फैक्ट्रीज होती है। ठीक है, ये सारी इसमें आ जाएंगी। शुगर मिल्स होते हैं या कोई डेयरी प्रोडक्ट की फैक्ट्रीज हो गई, तो जिसमें स्मॉल कम अमाउंट ऑफ वर्कर्स हो, सिर्फ प्रोड्यूसर और सप्लायर से इन्वॉल्व हो, ज्यादा कोई नहीं, वो कोऑपरेटिव सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल। फर्स्ट इज द हैवी इंडस्ट्रीज, मतलब अब दूसरी चीज ये है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो रॉ मटेरियल का वेट है वो कितना ज्यादा है, किस टाइप का। ठीक है, जैसे कि पहली है हैवी इंडस्ट्रीज, जो हैवी प्रोडक्ट्स पे चलती है, जैसे कि आयरन, सीमेंट, ये सब हैवी इंडस्ट्रीज होती है। आयरन स्टील माइंस होते हैं, शिप बिल्डिंग होती है, शिप्स को बनाना, प्रोड्यूस प्रोडक्शन करना, सीमेंट प्लांट्स होते हैं, ये सब हैवी इंडस्ट्रीज में आते हैं, जो बड़ी बड़ी चीजों को बिल्डअप करते हैं। नेक्स्ट इज लाइट इंडस्ट्रीज, जो छोटी छोटी चीजों को बिल्डअप करती है, जैसे कि कुछ लाइट गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक के जो छोटे छोटे प्लग्स होते हैं, सॉकेट्स होते हैं, ये सारी चीजें, गारमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स होते हैं, लेदर गुड्स होते हैं, तो छोटे पैमाने पर स्मॉल सेक्टर्स पे चलने वाली जो लाइट वेटेड होते हैं वो लाइट इंडस्ट्रीज में आएंगे। तो रॉ मटेरियल का जितना हैवीनेस है, जितना उसका भार है, जिस टाइप की है, वो भी इफेक्ट करती है। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेन रोल, द बेसिस और की इंडस्ट्रीज हेल्प अदर इंडस्ट्रीज बाय प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल, मशीन, सोर्सेस ऑफ पावर एटसेट्रा। ठीक है, तो जो बेसिक या की इंडस्ट्रीज होती है, इनका काम क्या होता है, रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करना, मशीन्स प्रोवाइड करना, पावर का जो सोर्स है वो प्रोवाइड करना, ताकि इंडस्ट्री अच्छे से रन कर सके, मैन्युफैक्चर कर सके, जैसे कि आयरन एंड स्टील मिल्स हो गए, पावर जनरेटिंग प्लांट्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट इज कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज, कंज्यूमर गुड मतलब जो हमारे लिए एसेंशियल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हो, जैसे कि गारमेंट्स हो गया, शुगर हो गया, टूथपेस्ट हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, बेकरीज हो गई, फूड प्रोसेसिंग हो गया, सीविंग मशीन्स हो गई, फैंस हो गए, जो हमारे एसेंशियल चीजों को प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आएंगे कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज में। ठीक है, समझ में आया?
तो ये थे हमारे आज के पॉइंट, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल लोकेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, कल आप एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में पढ़कर आइएगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और कॉटन इंडस्ट्री। ओके मैम, ठीक है, छोटे ही पॉइंट है, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी यहाँ पर दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिए और बाकी लोगों को भी बोलिए। मैम बोला था।